रंग 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 आपको कौन सी पसंद। हेलो एंड वेलकम टू टू यात्री ब्लॉग्स। अगर बेहतरीन इंजन के साथ में पसंदीदा कलर ऑप्शन मिल जाए तो कमाल हो जाता है। होंडा भी इसी में करती है विश्वास, इसलिए उसने होंडा SP 125 के लाइनअप में एक नए कलर ऑप्शन को ऐड कर दिया है, जिसे कि हम लोग होंडा SP 125 का वर्जन 2.0 बुलाते हैं। और अगर इसका ऑन पेपर नेम की बात करें तो ये है होंडा SP 125 का एथलेटिक ब्लू कलर। अगर बात करें इसकी प्राइसेस की तो SP के बाकी मॉडल्स के तरह ही इसमें भी दो वेरिएंट आते हैं। पहला है डिक्स वेरिएंट, जिसका कि एक्स शोरूम प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 82,000, और दूसरा है ड्रम वेरिएंट जो कि आप देख रहे हो, इसका कि एक्स शोरूम प्राइस है 78,000। अगर आप दुमका झारखंड के अगल बगल रहते हो तो आप बाइक्स इंडिया होंडा दुमका में कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको होंडा SP 125 के सभी कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको होंडा के सभी बाइक्स का एक्स शोरूम प्राइस जानना है तो उसका एक लिस्ट मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी होंडा SP 125 वर्जन 2.0 में कंपनी ने क्या क्या अपडेट्स किए हैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हो तो मैं आपको इन सभी पांचों कलर्स में एक कंपेयर करके दिखाऊंगा और इनकी अपनी क्या क्या खूबियां हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने लिए सबसे बेस्ट कलर को चूज कर सको। तो सबसे पहले, अगर आपने किसी वीडियो में पहली बार ये पांचों कलर एक साथ में देखा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वादे के साथ में कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि होंडा ने कोई न्यू बाइक लॉन्च नहीं की है। एक मिनट भाई साहब, अभी वीडियो शूट करने के दौरान ठीक मेरे बगल में एक जनरेटर चल रही है, जिसके कारण आगे वीडियो में मेरी आवाज थोड़ी सी खराब हो गई है, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। भाई साहब कंटिन्यू। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि होंडा ने कोई न्यू बाइक लॉन्च नहीं की है, बल्कि अपने पुराने होंडा SP 125 कॉल सीरीन ब्लू को ही अपडेट करके एक ग्लोसी ब्लू टेक्सचर में लॉन्च किया है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जो भाई मुझे काफी पहले से फॉलो करते आ रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि मैंने आज से करीब 5 महीने पहले इसी जगह पे आपसे बोला था, इसमें आपको कॉन्ट्रास्ट देखने को नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये सारा यहाँ से जो भी कलर है वो सेम है, बट ये आपकी ब्लू है, ये आपकी ब्लैक है, ये चीज इसमें ज्यादा उभर के नहीं आ पाती है। कलर्स में जो बाउंड्री है वो ज्यादा रिफाइंड नहीं है। साथ ही में ये जो ब्लू कलर है, इसकी जो बॉडी है, इसमें जो ये रेड कलर यूज किया गया है, दोनों मतलब ये ब्लू और ये रेड दोनों ही डार्क कलर है, जिसके कारण आपको इस बाइक में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये वाली कलर जो है वो एवरेज सेल होती है मार्केट में। शायद इसी बात को होंडा ने अपने दिल पे ले लिया और उसने ब्लू को एक ग्लॉसी टेक्सचर में लॉन्च कर दिया। तो चलिए अब मैं आपको इस नए होंडा SP 125 वर्जन 2.0 का एक ओवरव्यू दे देता हूँ और बात करते हैं कि इसमें कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब बात करें इसमें अपडेट की, तो कंपनी ने इसमें मेजरली 2 अपडेट्स किए हैं, जिसमें कि पहला इसमें कॉस्मेटिक चेंज है, जो कि आप देख ही रहो कि अब ब्लू में एक ग्लॉसी कलर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और जो दूसरा अपडेट है वो सिर्फ SP की ये वाली मॉडल में नहीं, बल्कि अब से SP के सारे मॉडल्स में होती है अप्लाई, वो है इसका पीछे का ग्रैब रेल। अगर आप कुछ टाइम पहले वाले SP को देखोगे तो वहां पर आपको इस ग्रैब रेल में एक रबर की कोटिंग देखने को मिल जाती थी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि धूप के कारण थोड़े टाइम के बाद वो फट सकती थी। इसीलिए कंपनी ने इसमें अब ग्रैब रेल को पूरा का पूरा कास्ट आयरन यानी लोहे का बना दिया है। अब यहाँ पर आपको कोई भी रबर का कोटिंग देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी बाइक में पीछे में कोई भी सामान को बांधते हो तो मैं बोलूंगा कि फिर आप
एचपी की ये लेटेस्ट वाली मॉडल ही खरीदना। अब ये ग्रेवल आपको इस बाइक के साथ में बाकी एचपी के सभी मॉडल्स में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक टू या थ्री ब्लॉक टिप भी है, अगर आप अभी शोरूम जाते हो और आपको शोरूम में अभी भी बाइक में पीछे का ग्रेवरेल रबड़ का मिलता है तो आप सोच लेना कि वो बाइक की मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी पुरानी है, क्योंकि अब से लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में एचपी के सभी मॉडल्स में ग्रेवरेल पूरा का पूरा लोहे का आता है। तो ये थे कुछ बड़े अपडेट। इसे छोड़कर और एचपी में कोई भी मेजर अपडेट नहीं है, छोटे मोटे अपडेट हैं। एक जो जगह ये नट बोल्ट में प्लास्टिक के कैप ऐड किए हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस बाइक का एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो फ्रंट में आपको एज यूजुअल डुअल एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपका मेन लैम्प की ऑन करते ही जल जाएगा और जो इसमें हाई बीम है उसे आप स्विच के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। वही आपको एज यूजुअल 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, पर एक्चुअल में अगर आपको इसका टैंक कैपेसिटी जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो बाद में देख सकते हो। 125 सीसी का इंजन है और जब मैंने एचपी का माइलेज टेस्ट किया था तो काफी सारे भाई मुझसे पूछ रहे थे कि भाई माइलेज टेस्ट का ऐसा रिजल्ट क्यों आया। भाई वो इसके कारण आया, ESP इनहैंस्ड स्मार्ट पावर, भाई पूरा का पूरा इसी के कारण मेरे माइलेज टेस्ट का रिजल्ट जो भी आया वो आपके सामने है। तो आप एचपी के माइलेज टेस्ट को भी देख सकते हो, ये वाली वीडियो है, बाद में आप देख लेना और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। बॉडी में और कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये ग्लॉसी ब्लू में ये कलर है, यहाँ पर आपको हल्का सा व्हाइट या फिर क्रीम कलर का स्टिकर देखने को मिल जाएगा और नीचे में रेड है। और यहाँ पे स्केल वाली जो डिजाइन पहले थी वही सेम डिजाइन और सेम स्टिकर आपको अभी भी देखने को मिल जाता है। अब ये है आपका राइडर का पॉइंट ऑफ व्यू। अब जब आप बाइक पे बैठोगे तो आपको बाइक कुछ इस प्रकार की दिखेगी। यहाँ पर लेफ्ट में आपको हाई बीम और पास पास का इंटीग्रेटेड स्विच देखने को मिल जाता है। ये रहा आपका टर्न इंडिकेटर, ये रहा आपका हॉर्न और आपके राइट साइड में है इंजन किल स्विच और पावर स्टार्ट साथ में। और ये इंजन किल स्विच भाई बहुत ज्यादा काम की चीज है। अब काफी लोग ये बोल रहे थे कि इसके मीटर में ब्लूटूथ वाली कनेक्टिविटी दी गई है, पर ऐसा कोई बात नहीं है, वो सारे चीज फेक है। ये जो मीटर एज यूजुअल पहले एसी में आती थी वही सेम मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अगर आपको इस मीटर के बारे में डिटेल में जानना है, इसमें क्या क्या होते हैं सेटिंग, टाइम सेटिंग और इको मोड ऑन ऑफ, ये सब के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो बारे में देख सकते हो। इसमें मैंने एसपी के मीटर को पूरी की पूरी तरह से अच्छे से कवर कर रखा है और आपको एसपी के मीटर से लेटेस्ट सभी जानकारी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अब इस नए वाले मॉडल से मैं थोड़ा सा हूँ डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इसमें अब भी आपको फ्रंट और रियर में 80/100 का टायर ही देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि होंडा को इसमें पीछे में 100/80 का टायर देना चाहिए था, पर उसने नहीं दिए, क्योंकि भाई बाइक के माइलेज को भी तो मेंटेन करना है। अब इस बात में आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट में बताओ कि एसपी का 80/100 का टायर परफेक्ट है या फिर इसने कंपनी को 100/80 का टायर लगाना चाहिए। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा की मोमेंट कि इन पांचों कलर में आपको कौन सा कलर करना चाहिए चूज। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सारे कलर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो ये जो पहला कलर है ये है आपका होंडा एसपी 125 का पर्ल सीरीन ब्लू, जिसमें कि आपको डार्क नेवी ब्लू देखने को मिल जाता है पूरा बॉडी में और ग्रे प्लस रेड के इसमें आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है। ये सबसे सिंपल कलर है एसपी का। अगर आपको ज्यादा तड़क भड़क बाइक ही पसंद नहीं है तो आप ये वाले कलर के साथ जा सकते हो। अब ठीक इसके बगल में है होंडा एसपी 125 का इंटीरियर रेड। अगर आप गांव या फिर छोटे शहर से बिलोंग करते हो तो आप ये वाले कलर को परचेज कर सकते हो। इसका काफी अच्छा डिमांड है मार्केट में और मेरे पास भी ये सेम कलर की बाइक है।
इसमें आपको व्हाइट प्लस ब्लैक का स्टिकर पूरे बॉडी में देखने को मिल जाता है। और इसके बगल में है आपका एसपी का सबसे ज्यादा प्रीमियम कलर होंडा एसपी 125 का मेट एक्सेस ग्रे मेटेलिक। और ये एसपी का एकलौती मेट कलर वाली बाइक है, इसमें आपको बॉडी में कोई भी स्टिकर देखने को नहीं मिलता है। अगर आपके पास बाइक को मेंटेन करने का टाइम है और इसे लगभग 6 महीने में पॉलिश करवाने का बजट है, तो मैं बोलूँगा कि आँख बंद करके आप एसपी 125 का ग्रे कलर को परचेज कर लो। और इसके बगल में है आपका एसपी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर, वो है स्ट्राइकिंग ग्रीन। ये भाई काफ़ी पॉपुलर कलर है क्योंकि इसमें आपको नियॉन के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप शोरूम करोगे विजिट तो आपको जनरली यही बाइक दिखेगी आउटलेट्स में, क्योंकि ये भाई काफ़ी पॉपुलर कलर है। तो अगर आपको चाहिए तो आप भाई ब्लैक भी परचेज कर सकते हो। और अब एट द एंड ये है एसपी का न्यू कलर होंडा एसपी 125 का एथलेटिक ब्लू कलर, जिसमें कि आपको वाइट और रेड में स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको बाकी कोई भी कलर्स में समझ में नहीं आ रहा है और आपको कलर से उतना फर्क भी नहीं पड़ता है, तो मैं बोलूँगा कि आप एसपी का न्यू कलर ले लो। अगर आपको कलर से फर्क नहीं पड़ता है तो न्यू कलर भाई ले लो, न्यू मॉडल है और अच्छी कलर है। लेकिन अगर आपको ये न्यू कलर नहीं लेना है और बाकी आप ये चारों पुराने कलर्स में कंफ्यूज हो, तो भाई मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसमें कि मैं इन चारों कलर्स का क्या क्या उसमें खामियां हैं, खूबियां हैं, वो पूरा डिटेल मैंने आपको बता रखा है। तो ये वाली वीडियो है भाई, इस वीडियो के बाद आप इसे देख सकते हो, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हो तो भाई एक लाइक जरूर कीजिएगा और बिना सब्सक्राइब किए भाई मत जाना। तो ये वीडियो को इसी पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।